नंबर 14, पेज नंबर 114। नंबर 1 है 3x होल स्क्वायर, मीन्स ये स्क्वायर 3 पर भी है और x पे भी है। तो हमने यहाँ पर अलग अलग करके लिखा है 3 पे स्क्वायर और x पे स्क्वायर। तो 3 पे स्क्वायर का मतलब है बच्चों 3 इटसेल्फ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 3 9, और x पे तो पावर 2 ही है, तो 9x स्क्वायर, ये इसका आंसर है। 5b होल रेज टू द पावर 4, मीन्स 5 पे पावर 4 और b पे पावर 4, तो 5 पे पावर 4 यानी 5 इटसेल्फ 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो 625 आया, एंड b रेज टू द पावर 4। फिफ्थ है 2a² b² होल क्यूब होल पावर 3, यानी 2 पे भी पावर 3, a स्क्वायर पे भी पावर 3 और b स्क्वायर पे भी पावर 3। तो 2 पे पावर 3 का मतलब हुआ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 2 इटसेल्फ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर होल पावर 3, यानी कि पावर के ऊपर पावर, पावर ऑफ अ पावर, तो यहाँ पे जो केस बना वो पावर के ऊपर पावर यानी पावर्स मल्टीप्लाई हुई, तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 8a रेज टू द पावर 6 b रेज टू द पावर 6। एग्जाम्पल नंबर 15, यहाँ पे -2x² y³³ होल 3, मीन्स -2 पे पावर 3 x² पे पावर 3 और y क्यूब पे पावर क्यूब या पावर 3। तो -2 इटसेल्फ मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स हमने लिख दिया, और यहाँ पर है पावर के ऊपर पावर, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जानी है, यहाँ पे भी पावर्स मल्टीप्लाई हो जानी है। यहाँ पे देखिए -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 2 to the 4, 4 to the 8, तो आंसर आया -8, 3 to the 6, 3 3 the 9, -8 x raised to the power 6, y raised to the power 9। बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है ये, 1/2 x² होल क्यूब, मीन्स 1/2 पे पावर 3 और x² पे पावर 3। तो 1/2 का मतलब हुआ, 1/2 पे पावर 3 का मतलब हुआ बच्चों ये इटसेल्फ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, तो हमने 3 टाइम्स लिख लिया 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, और यहाँ पर पावर के ऊपर पावर, तो पावर इस तरह से मल्टीप्लाई की फॉर्म में हमने लिख दी। अब देखिएगा यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 1/8 x raised to the power 6। यहां पर है 2/3 y raised to the power 4 होल स्क्वायर, तो 2/3 को हमने क्या लिखना है स्क्वायर, और y raised to the power 4 स्क्वायर, अब इसे हमने मल्टीप्लाई कर लिया, पहले तो हमने इसे ब्रेक किया यानी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो क्या आ गया 2 to the 4, 3 3 the 9, और फिर y 4 to the 8, तो इसका आंसर आ गया 4/9 y raised to the power 8। अच्छा, अगर यहाँ पर इस केस में आपके पास कोई ऐसा नंबर आ जाए जो ऊपर नीचे क्रॉस हो रहा हो सेम टेबल्स से, तो आप क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ तो 4/9 आ रहा था, तो ये दोनों अब एक टेबल में आते नहीं है, तो 4/9 ही रहा। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देती हूँ, मैंने लिखा 2/4 y² होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2/4 होल स्क्वायर y raised to the power 4 होल स्क्वायर, तो 2/4 मल्टीप्लाई बाय 2/4, और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4, या 4 मल्टीप्लाई बाय 2, एक ही बात है। तो यहाँ हो गया 2 to the 4, और यहाँ हो गया 4 4 the 16, 4 to the 8। अब यहाँ पे देखिएगा ये दोनों टेबल से कट सकते हैं, 4 की टेबल से, 4 1 the 4, 4 4 the 16, तो यहाँ पर फाइनल जो आंसर आएगा 1/4 y raised to the power 8,
ये दरअसल वो चीज़ है जो मैं आपको कह रही थी कि अगर लास्ट में हमारे पास कोई ऐसे नंबर्स आए जो सेम टेबल से कट रहे हों तो फिर आपने उसे काट देना है, ठीक है। यहाँ पे चूंकि नहीं कट रहे थे, यहाँ पे भी नहीं कट रहे थे, तो यहाँ पर इसी तरह से रहा। इसी तरह से यहाँ पर माइनस में भी आ सकता है, ठीक है, यहाँ अंदर माइनस में भी आ सकता है। तो आप क्या करोगे, माइनस इधर इधर लगा दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। आई होप ये समझ आ रहा होगा आप लोगों को। अपॉन वाला कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया।